फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके बहुत ज्यादा मोटे होंठ हैं तो आप कैसे आप अपने मोटे होंठ को पतला कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अदरक का जूस लिया है, यानी कि जिंजर जूस मैंने लिया है। इसको घिस करके इसका जूस निकाल लिया है। तो 1 से 1.5 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने अदरक का जूस लिया है। फ्रेंड्स, अदरक के जूस में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे फैट बर्निंग का काम करती है, फैट को रिड्यूस करती है, तो बहुत अच्छी है आपके लिप्स के फैट को रिड्यूस करने के लिए। इसमें हम ऐड करेंगे क्या, हनी। आप देख सकते हैं, आपके पास कोई भी ब्रांड का हनी हो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच के करीब इसमें हनी ऐड कर दूंगी, ठीक है। ये दोनों चीजें आपके फैट रिड्यूस का काम करेंगी। इसके साथ ही अगर आपके जो होंठ हैं बहुत ज्यादा काले हैं तो हनी आपके काले होंठों को गुलाबी बनाने में मदद करेगा। इसके साथ ही जो आपके होंठ हैं वो सॉफ्ट भी हो जाएंगे और बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। अब इन दोनों को अच्छे से मिला दीजिए ताकि एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाए और आप आसानी से अपने होंठों पे लगा सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेमेडी दोनों अच्छे से मिल गई है। अब आपको इस रेमेडी को अपने लिप्स पे लगाना है। किस तरीके से लगाएंगे, सबसे पहले आप इस रेमेडी को लीजिए और अपने पूरे लिप्स पे अच्छे से मसाज कीजिए इस तरीके से, ठीक है। पूरे लिप्स पे मसाज करनी है, ऊपर नीचे अच्छे से लगाएंगे आप इस रेमेडी को, और 5 से 8 मिनट के लिए इस तरीके से मसाज करनी है और हल्के हाथों से मसाज करनी है, बिल्कुल भी जोर नहीं डालना है। तो 5 से 8 मिनट मसाज करने के बाद आपको इस रेमेडी को 30 मिनट के लिए, यानी कि 30 मिनट के लिए लगा रहने देना है। और आफ्टर 30 मिनट आपको ये जो रेमेडी है नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है, ठीक है। ये था आपका पहला प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस आपका ये था। जब ये आप उसको वॉश कर लो तो सेकंड प्रोसेस में आपको क्या करना है, आपको बर्फ का टुकड़ा लेना है, यानी कि आइस क्यूब लेनी है और आइस क्यूब से अपने पूरे होंठों पे मसाज करनी है, पूरे 1 आइस क्यूब की, जब तक आइस क्यूब आपका पिघल नहीं जाता। ये दोनों प्रोसेस आपको रात में सोने के टाइम पे करने होंगे, तभी आपको जल्दी फायदा मिलेगा। तो रात में सोने के टाइम पे ये दोनों प्रोसेस करिए, जब आइस क्यूब लगा लें। तो आइस क्यूब मसाज करने के बाद आपको अपने लिप्स पे जो भी आपका फेवरेट लिप बाम हो या लिप मॉइस्चराइजर हो आप वो लगा करके सो जाइए। जब आप 7 से 8 दिन इस रेमेडी को, दोनों रेमेडी को करके देखेंगे, आप खुद देखेंगे जो आपके लिप्स का जो फैट था वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। तो इस रेमेडी को बिना स्किप किए हुए 7 से 8 दिन करके जरूर देखें। 100% वर्क वाली रेमेडी है और आपको इससे बहुत जल्दी फायदा मिलेगा। अगर आपको मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना, क्योंकि ऐसे ही वुमेन हेल्थ और वुमेन ब्यूटी के लिए और भी वीडियो आने वाली है इस चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।